भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बरमाणा में बिटिया फाउंडेशन व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की अगुवाई में स्थानीय मुद्दों के खिलाफ चल रहा आंदोलन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है, जिसमें विशेषकर इस आंदोलन में महिलाओं की काफी संख्या है। इस अवसर पर बिटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सांख्यान ने कहा, यहाँ पर स्थापित सीमेंट कारखाने में स्थानीय बेरोजगार युवा व युवतियों की अपेक्षा बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि इस ग्राम पंचायत के शिक्षित युवाओं व युवतियों को बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए नालागढ़ व बद्दी जाना पड़ रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा, बरमाणा सीमेंट कारखाने में विस्थापित प्रभावितों के बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए। सीमा सांख्यान ने कहा, जी मैं बताना चाहूँगी कि आज तीसरा दिन हमें धरने पे बैठे हुए हो गया और हमारी चार मांगे हैं जिसके लिए हम आज तीन दिनों से धरने पे बैठे हैं। पहली मांग हमारी है सस्ते सीमेंट के लिए, ये हमारे हिमाचल में भी सीमेंट सस्ता करा जाए अन्य राज्यों की तरह। और दूसरी है हमारी युवाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि रोज़गार के मामले में अगर आपको बताएं तो हमारी यहाँ की लड़कियाँ नालागढ़, बद्दी, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में जाती है सिर्फ 5,000 के लिए या 10,000 के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो बाहर के राज्यों की लड़कियाँ लड़के सभी यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और पूछने पे बताया जाता है कि यहाँ हिमाचल के जो बच्चे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा टैलेंट वाले नहीं हैं या वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों पे हमेशा आप तोहमत लगा के अगर उनको नौकरी से दूर रख रहे हैं तो हम कहते हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। ये हमारा रोज़गार को लेके है। तीसरा हमारा पोल्यूशन को लेके है। यहाँ पे जितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उससे जितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है। अगर आप सिर्फ अपने घर पे सफाई करोगे और दूसरी जगह गंद डालोगे, क्या उससे बीमारियाँ चली जाएगी? आज कोरोना का समय है, मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगी, वैसे तो आप कोरोना में बहुत चीज़ें देखते हो, सफाई की बात करते हो, लेकिन आज सबसे ज़्यादा गंदगी इस बरमाना पंचायत में है। चाहे वो पोल्यूशन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, चाहे आम जो कचरा है सड़कों पे वो हो, चाहे यहाँ के टॉयलेट हो, चाहे यहाँ के कोई भी चीज़ हो, लगता नहीं कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री बसती है। और उसका करोड़ों का CSR फंड है। CSR फंड यहाँ के जो हितेंद्र कपूर जी हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि शर्म करो, कागज़ों में बहुत भरते हो आप, लेकिन फील्ड में जिस दिन आप दिखा दोगे कि कहाँ हमारा CSR फंड लग रहा है, वो भी हम आपसे जवाब लेंगे। और चौथा है दीवारों को लेके। यहाँ पे जो दीवारें गई है वो तो कागजों में कहीं नहीं है कि दीवार देनी है, तो फिर आपने क्यों इतनी ऊंची ऊंची हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली दीवार देके रखी है? चाहे वो माइनिंग एरिया में हो, चाहे कॉलोनी के एरिया में है, आपने अपने दीवारें देके हमारे बीच में एक गैप बना रखा है। और एक और बात, सफाई की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ जितने कूड़ेदान भी बने हैं ना, उनकी भी चाबी ACC एम्प्लॉई के पास होती है, वो ACC एम्प्लॉई उसमें कूड़ा डाल सकते हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ गंदगी है, धूल मिट्टी है। और एक जिस तरह से अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, आज ये ACC वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन पता नहीं क्यों झुकता है इनके पास हर बार। अब जो लोग बोलते हैं फिर हम भी वही बोलेंगे, हड़ताल पे बैठते हैं लोग, फायदा लेते हैं प्रशासन। कोई फायदा इस बारी ना लेके थोड़ा सा लोगों के हित के बारे में सोचिए तो बेटर होगा। और एक और चीज़ कि अभी समय बढ़ता जा रहा है और उसी तरह से धरना भी अपना रूप बदलेगा, ये हमने चेता दिया। ऐसा मत सोचना औरतें बैठी है, अगर औरतें चौक पे बैठ भी सकती है तो औरतें लाठियां भी उठा सकती है, औरतें सिर भी फोड़ सकती है, वो अपनी मांगों को पूरा करने कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अब वक्त आ गया है, हमारे बच्चे जो नशे में जा रहे हैं हम उसको नशे में नहीं भेजेंगे, उनको भी रोज़गार चाहिए और ये हमारा हक है, इसको हम लेके रहेंगे जैसे मर्जी। अब पंचायत आज बिल्कुल ग्रामीणों के साथ है और जैसे सीमा संख्यान जी ने आपको ओवरऑल सारी समस्याएं बता दी, चाहे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट है और DAV फीस एक बहुत बड़ा मैटर है, उसके लिए भी वैसे बात करने के लिए तैयार हो गए थे पहले पर मैंने नहीं की, और चाहे यहाँ की प्रदूषण व्यवस्था है और बेसिक फैसिलिटीज है। तो हम मेरा सवाल यही है, जब पंचायत में भी ये दो बार मीटिंग करने के लिए आए रिगार्डिंग डेवलपमेंट जब बात हुई तो प्रधान चलो लेट दैट इशू, बट मैंने यही बोला कि जिस तर्ज पर ACC कॉलोनी डेवलप है उसी तर्ज पर हमारा बरमाना विकसित होना चाहिए। और जहाँ तक कंसर्न्ड कोरोना के रिगार्डिंग है तो ये सारे पहलू एक मैंने मेरे सामने जो आया 15 साल पहले बाद मैंने यहाँ पे परमिशन ली अपने टूर्नामेंट क्रिकेट करवाने की ताकि हम अपने बच्चों को नशे की गर्ज से दूर रखें। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ उन्होंने बच्चों को बोला टूर्नामेंट के बाद कि यहाँ पे मत खेलना है,
तो मैं जब अगले दिन गया कि सरकार के ऑर्डर आए हुए हैं भी अब कोरोना चल गया है, चल पड़ा है, तो बच्चे नहीं खेलेंगे। मैंने कहा सर ऑर्डर बताइए आप, अब बैट्समैन को आगे करते हैं ना, उनको टारगेट करने के लिए या लड़ाने के लिए हमसे। तो मैंने यही पूछा उनसे भाई कहाँ पे ऑर्डर आए हुए हैं, अगर सरकार के ऑर्डर ये इस तरह से मानते हैं तो सरकार के प्रतिनिधि जो बम्बा ठाकुर पहले MLA था और पूरा जिला प्रशासन उस टाइम जिलाधीश महोदय डॉक्टर अजय शर्मा जी थे, SDM साहब MK मेहता जी थे, राजेंद्र ठाकुर बैठा था, प्लांट हेड बैठा था DC ऑफिस में, एग्रीमेंट हुआ था कि 2013 के बाद यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पूरा वो MOU हमारे पास है। अगर सरकार की इंटीमेशन आप इस तरह से मानते हो तो हमारे प्रति जो फैसिलिटी सरकार मुहैया करवाती है बड़े बड़े वादे करते हैं, क्योंकि प्लांट जब भी लगता है वहाँ के लोकलाइट्स को आधारभूत सुविधाओं से लेके एजुकेशन फैसिलिटी से लेके और एम्प्लॉयमेंट तक की फैसिलिटी दी जाती है, बट ये सारी वेरिएशन है, इसी के कारण ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। और मैं पूरी पंचायत से भी आग्रह करता हूँ, पर चलो उनको टाइम नहीं है, कहीं बिजी हैं, तो लेट दैट टू गो, पर हम पूरे पंचायत और ग्रामीण इनके साथ हैं। अब पंचायत के लिए बिल्कुल ग्रामीण के साथ है। अनूप शर्मा।